नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। डिजियाना न्यूज़ के खास प्रोग्राम उन्नति की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। उन्नति की पाठशाला जिसमें लगातार कई शिक्षकों से, कई प्राचार्यों से आपकी मुलाकात हमने करवाई है, वहीं आज इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद श्रीमती मंजू व्यास जी, जो कि कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रणी हैं। कई सारे स्कूलों में ये प्राचार्य रही हैं। इन्होंने एक शिक्षक के तौर पर बहुत काम किया है। लगभग 23 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव मैम मंजू व्यास जी के पास हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सौभाग्य है हमारा कि आज आप यहाँ स्टूडियो में आई, और मैं तहे दिल से पूरी डिजियाना ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद को भी बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आने से। एक अलग प्रकार की उमंग, एक अलग प्रकार का उत्साह लग रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुक्रिया मैम। मैम, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि एक देश के लिए, एक देश की ही अगर हम बात करें, तो एक आर्थिक कहीं ना कहीं चीज़ें भी होती है। शिक्षा एक आर्थिक मजबूती जो कि एक देश को देता है, वो एक शिक्षा होती है। तो हमारे देश में एक शिक्षा का महत्व जो कि काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समान शिक्षा हमारे देश में नहीं है आज भी। तो इससे आप क्या समझती है, क्या लगता है कि क्या समान शिक्षा होनी चाहिए, या एक आर्थिक मजबूती देश को देने के लिए शिक्षा में और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जी, जिसका कोई छोर नहीं है जी। एक जीवन में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है जी, और शिक्षा ही सर्वोपरि है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए जी। जब हम शिक्षित होंगे जी, तो जीवन के सभी क्षेत्र में हम उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षित होना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है जी। और आज के समय में शिक्षा के प्रति हर वर्ग का रुझान बढ़ गया है जी। जो गरीब से गरीब तबका है, वो छोटा से छोटा तबका है, वह भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। हमारा ये, मेरा ये अनुभव है इतने सालों का कि अभी मैं जहाँ पर कार्यरत हूँ, वो जो पूरा ग्रामीण इलाका है जी, है ना, ग्रामीण इलाके में किसान वर्ग है जी, और छोटे मोटे मजदूर लोग हैं जी, जो कि अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं जी, बिल्कुल। और वे इसी उम्मीद के साथ आते हैं, जब वो एडमिशन लेते हैं स्कूल में, प्रवेश करते हैं, तो वे इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि मैडम हम नहीं पढ़े पर हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है जी। तो ये जो एक अवेयरनेस, ये एक जागरूकता हर तबके में आई है जी, ये शिक्षा के लिए और हमारे देश के, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ रही है जी, जी। तो जब हम शिक्षित होंगे तभी हम देश को आर्थिक विकास की ओर ले जाएंगे, आर्थिक मजबूती दे पाएंगे सभी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा की अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षित होना और शिक्षा की जागरूकता रखना बहुत आवश्यक है, और इसी जागरूकता के तहत हम आज पूरे विश्व में, हम अपना विश्व गुरु कहलाने के वापस योग्य बन रहे हैं, जो कि अपने प्राचीन समय से ही विश्व गुरु है भारत जी, जी। पर किंतु आज नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हम ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ये हमारे देश को नंबर वन पोजीशन पर ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा ये, और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा, ये मेरा अटूट विश्वास है जी। जी, जिस तरह से मैम ने कहा, आपने कहा कि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि आप मजदूर वर्ग के साथ अभी ज़्यादा समय बिता रहे, क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहाँ है, तो पेरेंट्स आपको ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं लेकिन बच्चे कुछ बने। ये बहुत बहुत देश के लिए, समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए खूबसूरत बात है, एक बहुत ही सुंदर बात है कि हर मजदूर तबका या कोई भी तबका अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। चाहे अगर हम एक बात करें कि एक
पिता अगर कोई ऑटो ड्राइवर है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी वही करे, तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच और विचार यहाँ से डेवलप हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत को विश्वगुरु एक बार फिर बनाने की और ये अग्रसर चीज़ें हैं, तो बहुत ही सुंदर ये जवाब है। मैं यहाँ ये बोलने को मजबूर हो गई कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और बेशक हमारी जनता को, हमारे लोगों को भी ये जवाब बहुत अच्छा लगेगा। और मैम एक और मेरा ऐसा ही कुछ सवाल है, ऐसा तो नहीं है लेकिन कुछ मिलता जुलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम जिस तरह से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं अभी के दौर में, वहीं अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों बाद की अगर हम बात करें, पहले की अगर हम बात करें, जब स्टूडेंट्स काफ़ी अलग हुआ करते थे और अभी के स्टूडेंट्स काफ़ी अलग है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आया है। तो इस अंतर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो चीज़ें आई हैं नई नई, जो पहले के स्टूडेंट्स होते थे और अब के स्टूडेंट्स में, तो ये अंतर आपने क्योंकि देखा है, आपने वो अंतर को ऑब्जर्व किया है, आपने उस अंतर को महसूस किया होगा, आप इतने सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको कैसे ये अंतर कैसे लगता है? मैं एक बात बताऊं, सच बात बताऊं, जी बिल्कुल, जो मेरे मन में है, मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट के व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई अंतर है। जी अंतर हमारी दृष्टि में हो गया है। जी अंतर हमारी दृष्टि में हो गया है। मैं 45 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ, और आज मुझे 30 साल पहले, 35 साल पहले वाला विद्यार्थी भी यदि मिलता है तो वो उसी ही विश्वास से, उसी ही रिस्पेक्ट से मेरे से मिलता है। और आज मैं इस नई पीढ़ी को जो पढ़ा रही हूँ और नई पीढ़ी के साथ जो जुड़ी हुई हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, उन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो ये एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, और बच्चे बच्चे हैं, वो एक कच्ची मिट्टी के समान है, उनको मोल्ड करना, यदि हम इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हर शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को किस तरह से संस्कार दे, बच्चों को किस तरह से अपने विचारों से अवगत कराएं कि बच्चा हर किसी का आदर करे, जो घर में पेरेंट्स हो, अपने पीयर ग्रुप हो, अपने दोस्त हो, अपने फ्रेंड्स हो, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, अपने छोटे भाई बहन। मेरा ऐसा मानना है कि प्यार से प्यार बढ़ता है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि प्यार से प्यार बढ़ता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जा सकती है कि जैसा मैं आपसे महसूस कर रही हूँ, मुझे एक एनर्जी मिल रही है, मैं, मेरे मन में ये सवाल आया कि ज्ञान, जब किसी को ज्ञान होता है तो ज्ञान का स्तर जब बहुत ऊंचा होता है तो अहंकार भी आता है। तो आपको देखकर मैं, बस ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि इतना ज्ञान आप में, और जिस सहजता के साथ आपने कहा कि नहीं, कोई स्टूडेंट्स नहीं बदलता, चाहे वो 20 साल बाद पहले का हो तो भी मुझे तो सारे स्टूडेंट्स सेम ही लगे, ये एक इतनी बड़ी बात आपने ये कही है कि मैं भावुक हो गई हूँ, शायद आप भी, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। तो ये सवाल आपके लिए था कि इतना ज्ञान होने के बाद भी अहंकार का कोई यहाँ पर एक कतरा भी नज़र नहीं आता, तो ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान बांटना और ज्ञान को विनम्रता से लोगों के साथ लेकर जाना, पेश करना, मैम ये आपके अंदर ये चीज़ कैसे है? देखिए, मैंने बचपन से, मेरे परिवार से मुझे यही संस्कार मिले हैं कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, है ना, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मेरे माता पिता, मेरा पूरा मतलब परिवार जो है डॉक्टर फैमिली है जी, है ना, सभी डॉक्टर। मेरे पिताजी यहाँ इंदौर सिविल सर्जन रिटायर हुए हैं, मेरी माँ जो है वो गायनोकोलिस्ट रह के रिटायर हुई है, मेरे अंकल, मेरी बुआ, मेरे दादा सभी डॉक्टर परिवार से संबंध रखते हैं। जी। तो हमारे पिताजी ने हमको कभी भी यह नहीं सिखाया कि आप मतलब अब मुझे शब्द यूज़ करने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर नौकर शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं करना। जी जी, नौकर शब्द का कभी प्रयोग नहीं करना। और मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि हम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, हमें स्वयं का काम स्वयं ही करना चाहिए। आज हमारे पास कुर्सी है, सब वैभव है, सब सुविधाएं हैं, पर कल से यदि हमारे पास कुर्सी नहीं रहेगी तो हम कहाँ से ये 4 सर्वेंट 5 नौकर सब लेकर आएंगे। तो हमें जीवन में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सदा एक से रहें।
जी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगे कि अरे हम इतनी ऊंचाइयों पर हैं और हम किसी को कुछ समझे ही नहीं। हमें सबकी उम्र का आदर करना चाहिए। सभी इंसान अपने पेट के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल। हम खुद भी अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं और एक यदि घर में काम करने वाली, खाना बनाने वाली, ये सब काम कर रही है, ये भी अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अपने पेट के खातिर कर रही जी, है। जी। तो हमें उस चीज़ की महत्वता को समझना चाहिए और हमें सबको रिस्पेक्ट देना है। सबको रिस्पेक्ट देना, सबको आदर देना, सबको सम्मान है। यदि हम उनको सम्मान देंगे तो हम खुद को भी सम्मानित महसूस करेंगे। तो हमारे फादर ने भी हमें ये सिखाया कि कभी भी आप उनको बुलाएंगे तो भी आप करके बुलाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमको बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हैं, शायद आज इस मुकाम पर जो है उन्हीं की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की वजह से जी मैम ने जैसे कि कहा कि मूलाधार, आपकी जड़ें ही आपको मजबूत बनाती हैं। आप जिस तरह से आपके संस्कार रहे हैं वो आपको एक ज़िंदगी में उस मुकाम पर तभी लेकर जाता है जब आप संस्कारवान हैं। आप बिल्कुल मूलाधार, अपने मूल, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात एक शिक्षक के द्वारा, मुझे लगता है ये हर किसी के लिए काम आएगी, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स, ये जो भी ये इंटरव्यू देखेगा, ये बहुत कुछ सीखने वाली बातें आज मैम के ज़रिए हमें पता चल रही हैं। मैम पहले ऐसे होता था, पहले के स्कूल्स में बच्चे जो होते थे वो स्कूल की सफाई भी कर लेते, नॉर्मली अपने बेंचेस साफ कर लेना, कई बार कुछ चीज़ों को संभालना, सहेजना। लेकिन अब चीज़ें पूरी तरह से बदल गई हैं, अब इसे अलग दृष्टि से देखा जाता है कई बार। लेकिन ये एक अनुशासन बोल सकते हैं हम इसे, कि अपने शिक्षा के मंदिर को जिस तरह से साफ रखना, अपनी चीज़ों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब जो है तस्वीर बदली है, अब इस चीज़ को कई बार गलत नज़रों से भी देखा जाता है, कई बार ये गलत होता भी है। हम कई स्कूलों में देखते हैं जो कि जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे टीचर्स इसे हमारा एक शायद पेशेंस लेवल बोल सकते हैं कि आप ज़मीन से जुड़े रहे, आप सब काम करें, उनका मकसद ये होता था। मकसद ये होता है, सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, और होना भी ऐसा चाहिए जी कि हम बच्चों को, अपन आज सर्वांगीण विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का सब चीज़ें जो है वो चाह रहे हैं, तो ये भी तो एक मूलभूत आवश्यकता है कि बच्चों को अपना स्वयं का कार्य स्वयं कर सके। ये भी तो एक उनका शिक्षा के क्षेत्र का ही एक आधार स्तंभ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए जी। इसमें मतलब माता पिता को भी स्कूल के ऊपर, शिक्षक के ऊपर विश्वास होना चाहिए जी। ट्रस्ट और विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है जी, जी। तो हम तो बच्चों को कहीं देखिए, समय कह के नहीं आता है जी। समय बहुत बलवान है, समय कह के नहीं आता। ऐसी विषम परिस्थिति में भी बच्चा कम से कम अपना स्वयं का काम कर सके, अपनी स्वयं के कमरे की साफ सफाई कर सके, स्वयं अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, इतना तो हम बच्चों को शिक्षा में मतलब शामिल कर ही सकते हैं। और आज भी मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, पर इंदौर में ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को, सपोज 40-45 बच्चे हैं क्लास में, तो टर्न वाइज बच्चा अपनी क्लास की झाड़ू लगाएगा, बच्चा अपने क्लास में पोछा लगाएगा और बच्चा अपने क्लास की डेस्क और बेंच को साफ करेगा जी, जी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। पेरेंट्स को इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे से कोई मतलब गलत काम करवा रहे हैं, ये भी उसके जीवन का एक बहुत बड़ा स्तंभ है कि बच्चा आत्मनिर्भर बने, बच्चा अपने, हम सोचते हैं पहले देखिए लड़के और लड़कियां है ना, लड़कियां सब काम करेगी घर का, पर लड़के नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे लड़के, उन्हें भी करना चाहिए। आज हॉस्टल में हम भेज देते हैं, आज यहाँ पर आकर बाहर से विद्यार्थी, अपने इंदौर में ही इतने विद्यार्थी बाहर से आकर विद्यार्जन कर रहे हैं, हॉस्टल में एक एक कमरे में रह रहे हैं। यदि वो अपना स्वयं का काम स्वयं करें,
खुद खाना बनाकर खाए, रोज बाजार का खाना तो अपने लिए अपनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यदि वो दाल चावल ही बना ले, खिचड़ी ही बना ले, तो इतना तो बच्चों को आना ही चाहिए कि बच्चा हर विषम परिस्थिति में इस योग्य बने कि वह अपना जीवन यापन कर सके। जी बिल्कुल मैम, आपने कहा कि समय कहकर नहीं आता, एक समय हम देख भी चुके हैं, कोविड की अगर हम बात करें तो हर इंसान अकेला रहा है, चाहे वो बच्चे हो पेरेंट्स हो, दूर रहना ही पड़ा है। तो ये जो काम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस पर जो है इतना ज़्यादा स्कूलों को नहीं, जो भी चीज़ें हो रही है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ज़मीनी स्तर से का काम है जिससे कि बच्चों में अनुशासन भी आता है, और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन पहली सीढ़ी हम बोल सकते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व की। लेकिन आजकल देखा जाए तो अनुशासन पर भी कई तरह के प्रतिबंध हो चुके हैं। स्कूलों की अगर हम बात करें तो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि नहीं, इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा भी है, लेकिन क्या कोई गलत परिणाम भी इसके हो सकते हैं? दोनों अपने मतलब दोनों चीज़ों के पहलू हैं। पुराने समय में पालक आते थे, अपने बच्चों को शिक्षक को सुपुर्द करके बोलते थे कि ये आपका बच्चा है, आप इसको मारो, कर कूटो, कितना भी करो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी। आज के पालक जो हैं वो यदि हमने जरा सा उनको हाथ टच भी किया तो वो प्रश्न करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को छुआ क्यों, आप कौन होते हैं हमारे बच्चे को पनिशमेंट देने वाले, पनिश करने वाले आप कौन होते हैं। तो ये जो मानसिकता थोड़ी बदल गई है, ये मानसिकता हमारे समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए कहीं ना कहीं घातक भी है। कहीं ना कहीं घातक भी है। हम भी, कोई भी शिक्षक इतना क्रूर नहीं होगा कि वो बच्चों को बेदर्दी से मारेगा। एक्सेप्शनल कहीं कहीं हो जाते हैं, उसका हम कुछ मतलब उसका हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पर जनरली कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा कि बच्चों को पनिश करना चाहेगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दें कि उनको पनिशमेंट का कोई काम ही नहीं हो, है ना। और पेरेंट्स को भी हम इतना समझाएं कि हम बच्चों को, बच्चे आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे हमने शुरू से ही हमने जाना है कि माँ जो है वो बच्चे की प्रथम शिक्षिका है, तो दूसरी जो माँ है वो शिक्षिका है, शिक्षक है विद्यालय में, तो हम उसी हिसाब से बच्चों को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है, पर होता है कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें क्या है कि जैसे वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी प्रकार से मतलब ये हो जाता है कि पनिश पर आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट पे तो रोक लग ही गई है, होना भी चाहिए, है ना। पर बच्चों को, आम बच्चों को, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि बच्चों को मतलब प्यार से समझाओ तो बच्चे जल्दी समझते हैं, यदि उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया, डांटा, बाहर खड़ा कर दिया, तो बच्चे एक तरह से थोड़े ढीठ बन जाते हैं, है ना, और वो समझते हैं कि अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैडम डांटेगी और बाहर कर देगी, आदतन भी हो जाता है ना। तो ये है, अब इसमें टीचर्स की स्किल्स रहती है कि बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करें। आपको मैं अपना अनुभव यदि बताऊंगी तो मेरा 45 साल का इस शिक्षा जगत का अनुभव है, मैंने आज तक एक बच्चे को भी हाथ नहीं लगाया। जी ये तो बहुत तो, ही, और उसके बाद भी मतलब काम चलता रहा सुचारू रूप से। बच्चे तो हर तरह के होते ही हैं, बदमाशी भी करते हैं, हर कुछ करते हैं, जैसा वातावरण होता है वैसा हमको हैंडल भी करना पड़ता है। पर हाँ, डांटा ज़रूर है जी, पेरेंट्स को ज़रूर बुलाया है यदि बच्चों ने गलती करी है तो, उनके सामने ही उनसे कबूलवाया है कि हाँ मैंने ये गलती करी है जी, है ना, और इस प्रकार से हमने सिचुएशन को संभाला है जी। पर कभी भी किसी भी प्रकार से बच्चों को इस तरह से पनिश भी नहीं किया है, पर उसका ये है कि बच्चों को ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए कि अरे ये मैडम आई है ये तो अपने को कुछ नहीं कहेगी जी, है ना, कुछ नहीं कहेगी, अपनी जो इच्छा हो वो करो जी। ऐसा भी संदेश बच्चों में
नहीं जाना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि मैडम कब नाराज हो जाएगी, मैडम कब गुस्सा हो जाएगी हमारी इस हरकत से। उनको ये चीज समझ में आना चाहिए और ये अच्छा और बुरा ये समझाने के लिए एक शिक्षक का अपने बच्चों से सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। जी जी मैम, आपने कहा कि पहली गुरु माँ होती है। बेशक माँ पहली गुरु होती हैं हमेशा, लेकिन गुरु का दर्जा फिर भी सबसे ऊपर ही माना जाता है। एक बच्चा जब कुछ करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षक को ही होती है, क्योंकि वो शिक्षक कहीं ना कहीं वो बच्चा गुजरा है उस पूरी प्रोसेस से जहाँ पर वो शिक्षक मार्गदर्शक रहा है सबसे पहला। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। आपके जीवन में भी ऐसे कई पल आए होंगे, आपने कई बच्चों को बहुत अच्छी जगह देखा होगा। कहीं ना कहीं आपको प्राउड बिल्कुल होना ही चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक गुरु का जो महत्व है वो सबसे बढ़कर इसीलिए माना जाता है। तो आपका क्या कहना है इस पूरी बात पर कि गुरु का दर्जा हमेशा से ही सबसे पहला होना ही चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गुरु के दर्जे के लिए तो हमारे महान साहित्यकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत कबीर, तुलसी, रहीम, इन सब ने बताया है कि देखिए, गुरु दो गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। तो गुरु को तो इतना महत्व दिया है कि भगवान के बारे में ही गुरु ने ही बताया है कि ईश्वर क्या है। तो गुरु को तो अपने भारतवर्ष में इतना अहम दर्जा, इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ है जी। तो गुरु की व्याख्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न जी, है जी, जी। है ना, गुरु की व्याख्या की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो बच्चों को निखारता है, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारता है जी। बच्चा, हर इंडिविजुअल बच्चा अपने अपने इसमें अपने उसमें प्रतिभाएं छिपी है। हर बच्चे में एक अनेक प्रतिभाएं, कोई खेल में अच्छा है, कोई गणित में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है। अब उसकी प्रतिभा को उभारना और निखारना ये एक अच्छे शिक्षक का कार्य है। जी बिल्कुल। तो गुरु तो गुरु है जी, बिल्कुल, उसका कोई मतलब ये है ही नहीं कोई दूसरा उसका सक्षम है ही नहीं गुरु का। जी जी, जिस तरह से कच्ची मिट्टी को मूर्त रूप देने का काम सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घर घर कार्य कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे ठोक। बाहर से भले वो नारियल की तरह कठोर हो पर अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट है। जी जी मैम, आपकी जिस तरह से बातें हैं कहीं ना कहीं आप बच्चों को इमोशनली बहुत ज़्यादा समझती होंगी, जितना कि मैं आपको समझ पाई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी दूसरी परेशानियों से, कई बार घरों में भी कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती है, पेरेंट्स के मनमुटाव या कोई भी कारण हम बोल लें, उसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो कि इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो उन्हें आप कैसे पहचान पाते हैं? स्कूल भी इस पर काम करता है, तो किस तरह से उन बच्चों को निखारा जाता है, निकाला जाता है उन सब चीज़ों, क्योंकि बच्चों की उम्र ऐसी होती है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो प्रेशराइज कर लेते हैं खुद के ऊपर, तो इस चीज़ से कैसे उन्हें उभारा जाता है? देखिए, बहुत सारी मतलब बातें हैं इसमें जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। आज का जो हमारा समाज है, आजकल माता पिता दोनों अधिकतर नौकरी करते हैं जी मैम, है ना। मान लो किसान परिवार है, वो भी पूरा परिवार जो है खेतों में काम करने जाता है जी, है ना। हम हर तबके के लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं जी, बिल्कुल, है ना। तो और परिवार का विघटन होता जा रहा है जी, है ना। पहले जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आजकल परिवार न्यूक्लियर परिवार हो गए जी। पहले बच्चा जो है अपने जो भी उसके मन में कोमल भावनाएं, जो विचार आते थे वो अपने दादा दादी से, अपने काका काकी से, अपनी बुआ से,
सब शेयर कर लेता था। आजकल उसको केयरिंग और शेयरिंग के लिए सिर्फ एक ही माता पिता ही मिलते हैं। और सुबह से माँ भी जाती है काम करने, माँ भी प्रेशर में रहती है, पिता भी प्रेशर में रहता है, दोनों काम पे निकल जाते हैं। बच्चा जब स्कूल से आता है तो वो घर में अकेला अपने आप को महसूस करता है, है ना। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी है बहुत बड़ा काम करती है इन सब चीज़ों में। और उस साइकोलॉजी को समझ कर बच्चे को समझना एक मतलब बहुत बड़ी बात है। जी अभी मैं अपने स्कूल का ही उदाहरण दे रही हूँ आपको कि एक बच्ची रोज लेट आती थी, लेट भी आती थी, और हमने जब स्कूल में जैसे दो चोटी बना कर आना, ये मतलब एक अनुशासन में ये रखा है कि दो चोटी बना कर आना है, एक पोनी बनाकर नहीं आना है। तो जब वो 5-6 दिन से लगातार एक पोनी बनाकर आ रही थी तो मैंने उसको बुलाकर पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आप रोज एक पोनी बनाकर क्यों आ रही हो जबकि हमने तो दो चोटी बनाने का कहा है आपको। तो वो बोली, वो सेकंड क्लास की बच्ची थी, दूसरी क्लास में थी, वो बोली मुझे कि मैडम मैं है ना रोटी बना के आती हूँ इसलिए मुझे देर हो जाती है, इसलिए मैं एक पोनी बना के आती हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा तुम मतलब दूसरी क्लास में पढ़ रही हो, सेकंड ईयर में हो तुम, और तुम रोटी बना के आती हो, इतनी छोटी सी हो तुम तो रोटी बना के आती हो। तो मैंने कहा क्यों बेटा, तो गांव में थोड़ी अलग अलग परंपराएं भी होती है, आप समझती ही हैं। मुझे लगा कि शायद इस कारण से उसकी माँ उससे खाना बनवा रही होगी। पर फिर 2-4 दिन और जब आगे निकल गए तो फिर मेरा जिज्ञासा हुई कि मैं इससे पूछूं कि बेटा अब तो खाना नहीं बनाना पड़ रहा है ना। तो बोली वो कि नहीं अभी भी बनाना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादा उससे पूछ नहीं पाई और मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों में उस दिन आंसू भी आ गए कि क्या कारण हो सकता है मेरा अभी भी उससे मतलब मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं उसके घर जाके और मैं उस देखूँ कि उसका परिवार किस तरह का है, क्या उसको क्यों मतलब खाना बना के आना पड़ रहा है। यदि वो सही कह रही है तो हो सकता है कि वो गलत भी बोल रही हो, झूठ भी बोल रही हो, है ना। पर उसकी जो मासूमियत, उसका जो चेहरा है वो देख के ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रही होगी। पर हाँ, मैं एक बार उसके घर जरूर जाऊंगी और जरूर अपनी जिज्ञासा का निवारण करूंगी कि आखिर क्या है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अलग अलग घरों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, और शहर में हम अलग तरह की बच्चों की मानसिकता देखते हैं, गाँव में हम अलग तरह की मानसिकता देखते हैं। तो एक और मतलब ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दें, वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चा स्कूल से आता है तो पेरेंट्स को उसको पूछना है कि आज स्कूल में क्या हुआ, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, टिफ़िन ख़त्म किया कि नहीं किया, कौन सी टीचर ने तुझे क्या पढ़ाया, आज क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में हुई। तो ऐसा जब बच्चों से हम बातचीत करते हैं तो एक अपनेपन की भावना भी आती है और पेरेंट्स को भी लगता है स्कूल में क्या हो रहा है, कक्षा में क्या हो रहा है, और बच्चे को भी लगता है कि हाँ मेरे से कोई घर में जाकर पूछने वाला है, तो वो उसी हिसाब से मानसिक रूप से तैयार भी रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा मतलब ये रहती है, जिसका कि मतलब हमको अलग अलग तरह से उसका समाधान ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हर घर की परिस्थिति अलग है, तो उस हिसाब से ही हमें उसका समाधान ढूंढना है। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि वो सेकंड क्लास की बच्ची, और आप इतनी ज़्यादा जिज्ञासु है ये जानने के लिए कि क्या स्थिति होगी, तो एक गुरु का, एक टीचर का इस तरह से एक बच्चे के लिए जिज्ञासु होना कि क्या हो सकता है, मतलब तह तक जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे के मानसिक विकास के लिए भी ये ज़रूरी है कि क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि इतना प्रेशर अगर इस उम्र में है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ही है। और एज एन टीचर, एज एन गुरु, आप इतना महत्व उन चीज़ों को दे रही हैं, अपने समय में से इतना कीमती समय निकाल कर आप सोच भी रही है कि मैं कभी ना कभी तो जाऊँगी, ये बहुत ही खूबसूरत बात ये है, ये कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली बात है कि आज भी ऐसे गुरु मौजूद है जो बच्चों को इतना ज़्यादा इमोशनली पहचान रहे हैं। यही सवाल था मेरा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या
परिवार में किसी, क्योंकि वो ले लेते हैं दिमाग पर कि ऐसा है तो प्रेशर ले लिया, वैसा है तो प्रेशर ले लिया, क्योंकि उन्हें उतना समझ नहीं होती है उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं ये जवाब बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिला कि पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से थोड़ी बहुत बात करें, उनसे पूछें, उनसे जाने कि आज स्कूल में क्या हुआ, लंच टाइम पर हुआ या नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी बहुत रिलीफ, बहुत अच्छा लगता है और वो मानसिक तौर पर भी मजबूत यहाँ पर होते हैं। बाकी शिक्षक तो है ही उन्हें मजबूती देने के लिए। उसके अलावा मैम, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि शिक्षक जो है अपना कोर्स, हम उसे बोले या शिक्षा में जो भी ज़रूरतें हैं, वो अपना पूरा क्षमता के साथ चीज़ों को पूरे ईयरली वो जो है कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करते, करवाते ही है, जो कि एक स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी परिणाम जो है उतने मुताबिक आते नहीं हैं। तो इसके पीछे हम क्या कारण बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, बच्चों की, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। तो क्या उसके पीछे ये कारण हो सकता है या कोई और कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है जी कि हर बच्चा इंडिविजुअल बच्चा अलग अलग होता जी है ना। पहले हम देखते थे कि कक्षा में जो बच्चे हैं वो तीन वर्ग के होते हैं, एक जी बिलो एवरेज, एक एवरेज और जी एक अबव एवरेज। जी आजकल कुछ बच्चे स्पेशल भी होते हैं कक्षा में, जी स्लो लर्नर भी होते जी हैं कक्षा में, तो हमको उनके साथ किसको किस चीज़ की ज़रूरत जी है ना। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को उनके लेवल पर जाके, देखिए हर बच्चा 100% मार्क्स नहीं ला सकता, बिल्कुल हर बच्चा 90% मार्क्स नहीं ला सकता। हमारा कहना ये है कि हम बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चा क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये उसमें जी बाइफरकेट कर हाँ सके वो, ये हम उसमें क्षमता लाएं और जी बच्चे को हम समझाएं। मैं हमेशा टीचर की जब भी मीटिंग लेती हूँ, मैं बोलती जी हूँ कोर्स के पीछे मत भागो, नर्सरी से 8वीं तक, जी क्योंकि उसमें हमको बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं रहता है। जी 9th, 10th, 11th और 12th ये क्लासेस ऐसी हैं कि इसमें हमको कोर्स पूरा करने का प्रेशर जी रहता जी है ना। पर 8th तक जो है, कक्षा 8वीं तक कोई प्रेशर नहीं रहता जी है ना। तो मैं टीचर्स को हमेशा यही समझाती हूँ कि जी आप यदि इंग्लिश में, हिंदी में 18 लेसन टोटल है, जी 20 लेसन है, 25 लेसन है, तो हमको हाफ हाफ डिवाइड कोर्स जब करना पड़ता है तो भाई हाफ ईयरली के हाफ कोर्स ले लिया और आगे के हाफ, मतलब एग्ज़ाम के जी लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए हाफ कोर्स ले लिया। इस तरह से हम कोर्स को डिवाइड करते हैं, जी किंतु यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है जी तो आप कोर्स के पीछे मत भागो। उसमें आपको टीचर को कोई मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आपने क्या पढ़ाया है वो बच्चों को पूरा आना चाहिए। बिल्कुल मैं उनको यही बताती हूँ कि यदि इस लेसन की लिंक अगली क्लास में नहीं है जी तो उसको आप छोड़ दो, जी उसको आप छोड़ दो, उसको आप परीक्षा के बाद ले लेना, जी पर अभी जितना पढ़ा रहे हो आप बच्चों को जी उतना ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा उसकी बेसिक, उसका फंडामेंटल समझ सके। जी तो जी ये बेसिक बच्चों का क्लियर करना, बच्चों के डाउट क्लियर करना, बच्चों की फंडामेंटल मजबूत बनाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है जी बनिस्बत कोर्स कंप्लीशन के। जी और एक बार यदि बच्चों की फंडामेंटल मजबूत हो गई तो आगे उसको कोई इमारत बनाने में तकलीफ नहीं जी होगी। जी 9th, 10th, 11th में उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनका कंसेप्ट को क्लियर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यदि जी एक बार बचपन में उनके फंडामेंटल क्लियर हो गए जी हैं तो। जी जी और ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि कक्षा में 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जी तो हमारा ये है, हम ये समझते हैं कि देखिए मार्क्स एक अलग चीज़ हो जाती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, जी ओवरऑल डेवलपमेंट एक अलग चीज़ हो जाती है ना। बच्चा 100% मार्क्स लाया है और यदि वो इंटरव्यू अच्छे से फेस नहीं कर पा रहा है जी तो उसके 100% मार्क्स की कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है नहीं है। जी इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चा
थर्ड पोजीशन पे है उसको हम सेकंड पोजीशन पे कैसे लाएं, और जो सेकंड पोजीशन वाला बच्चा है उसको फर्स्ट पोजीशन पे कैसे लाएं, और फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा है उसको मेरिट में कैसे लाएं। बस इसी उद्देश्य से हमको शिक्षा को आगे ले जाना है, है ना। क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि हर अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती है, कोई खेल में कोई संगीत में, तो उसकी रुचि के अनुसार उसको ढालना है और उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षित करना है। जी जी, तो कई सारे सवालों के जवाब ये इस एक सवाल में मुझे मिल गया है। फिर भी मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी मैम कि बच्चों को जिस तरह से वर्गों में, स्कूल में, क्लासेस में बांटा जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो कि बहुत बिलो एवरेज हम बोल सकते हैं होते हैं, अचानक से वो काफ़ी अच्छा करने लग जाते हैं, तो उनका जो पोटेंशियल होता है ये स्कूल को या शिक्षक को कैसे पता चलता है कि एक एवरेज बच्चा, ऐसा होता है अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छे बच्चे भी एवरेज पर आ जाते हैं या एवरेज बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में भी कई बार हम उनका नाम देखते हैं, ये क्या ये शुरुआत कुछ गलत होती है उनकी या कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है, क्योंकि पोटेंशियल जो है एक शिक्षक ही देख पाता है। अभी आपने सारी बातें कही कि इस तरीके से उनका पोटेंशियल चेक किया जाता है, तो क्या इसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि मेरा स्वयं का भी अनुभव है और सभी शिक्षकों का अनुभव होता है ये कि जो बच्चा जी हमेशा सप्लीमेंट्री में पास होता रहता है, आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँच जाए जी, वो देख के हमको भी खुशी होती कि अरे इस बच्चे को हम कितनी मुश्किल से पास करवाते थे और आज ये इतना ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो बच्चों का होता है, कभी कभी बच्चा 8th तक इतना डल रहता है, कुछ नहीं कर पाता है, और 9th से उसमें अचानक से इतना मतलब मोल्ड हो जाता है वो कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। तो बच्चा क्या है, अपने आस पास अपना पीयर ग्रुप, उसका वातावरण वो देखता है कि अरे एक तो हमें और माता पिता को, शिक्षक को और माता पिता को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा अंतर है कंपैरिजन में और प्रोत्साहित करने में, उसको इंस्पायर करना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो, करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो एक चींटी की कहानी से हम उसको समझाते हैं कि एक कोशिश करने वालों की कभी जीवन में हार नहीं होती। आप बिल्कुल अपने मुकाम पर पहुंचोगे, बस कोशिश करते रहो। ऐसा है कि माँ खाना गर्म करके और नए नए रोज अलग अलग प्रकार की जो बच्चों को पसंद है बनाकर देती है, पर खाना तो बच्चे को ही है। बिल्कुल, सुविधाएं सब तरफ से मिल जाती है, परिवार से भी मिलती है, स्कूल से भी मिलती है, सभी जगह से सुविधाएं बच्चे को मिल जाती है, पर काम तो उसे ही करना है। और मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में 5 D's अपना लिए, अल्फाबेट के 5 D's है ना, ये हर अक्षर में, हर अल्फाबेट में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है जी, अनंत बातें जीवन की छिपी हुई है, पूरा जीवन का दर्शन इन 26 अल्फाबेट में और 33 स्वर में। एक उदाहरण यहाँ उदाहरण में यही देना चाहूँगी कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जीवन में 5 D अपनाओ। वो 5 D क्या है, सबसे पहला D है डिसिप्लिन जी, दूसरा D है डिवोशन जी, तीसरा D है डेडिकेशन, चौथा D है डिटर्मिनेशन, एंड 5th D है डेस्टिनेशन। यदि आप अनुशासित जीवन में अनुशासित रह के ये जो 3 B's के हैं, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, इनकी लिंक आपने जोड़ ली, तो आपको डेस्टिनेशन, आपका रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जीवन में कभी भी घूमोगे नहीं। एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य हमेशा थोड़ा ऊंचा निर्धारित करना है, तब हम जाके अपने बनाए हुए लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चे को एम होना बच्चों का बहुत जरूरी है, बच्चों का लक्ष्य बहुत जरूरी है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना, ऑनेस्टी से हार्डवर्क करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता है जब तक हम करेंगे नहीं, है ना। तब तक सोने में भी चमक तभी आती है जब वो आग में जलता है। जी जी, तो अपने जीवन
जो संघर्षमयी है, हमने इतने बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, तो उनका जीवन हमेशा संघर्षमय रहा है। आज संघर्षमय जीवन से ही आज वो इतने उभर कर दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और अपने देश में अपना नाम कमाया है। जी, जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक बच्चों को बहुत ऊपर ले जाती है और जो कि शिक्षक के लिए बहुत प्राउड की बहुत ये चीज़ें होती है कि आज हमारा बच्चा वहाँ पहुँचा है। जी जी, तो संघर्ष से गुजरकर ही सक्सेस का रास्ता जो है मिलता है, जैसा कि मैम ने बताया। और डेस्टिनेशन पर अगर आपको जाना है तो आपको 5D जैसा कि मैम ने बताया ध्यान में रखने हैं, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत जल्द पहुंच पाएंगे। आपको तय करना है अपनी ऊंचाइयों को, तय करना है अपनी सारी चीज़ों को, आपको तय करना है और फिर आपको जो है इसके परिणाम मिलेंगे। मैम, वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि स्कूल के बाद भी स्टूडेंट्स ट्यूशन को महत्व देते हैं और शायद बहुत ज़्यादा अभी ये चलन में है, तो इसे किस तरीके से आप देखती हैं? क्या इसकी ज़रूरत है आज के वर्तमान समय के लिए? क्या ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है? देखिए, मैं फिर मतलब आप जैसा भी समझे जी, मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जी है ना, तो यदि आप मतलब मुझे उस कैटेगरी में समझती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि यदि एक अच्छा शिक्षक अपने विषय में उसकी मास्टरी है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज जो है बहुत अच्छा है, तो उसको विद्यार्थी को बाहर ट्यूशन पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। पर आज के समाज में हम देख रहे हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है, ट्यूशन पर भेजना स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अरे मेरा तो उसकी क्लास में जा रहा है, मेरा उसकी क्लास में जा रहा है। तो ये भी एक मतलब माहौल बन गया है समाज में, जो कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा, मैं गलत हो सकती हूँ इसमें, पर मुझे इसमें थोड़ा हानिकारक लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगी कि मेरे यहाँ KG 2, Class 1, नर्सरी है ना, ये पेरेंट्स आते हैं कि हम इसको वहाँ भेज रहे हैं, ट्यूशन पे भेज रहे हैं, फिर भी इसको लिखते नहीं आ रहा, फिर भी इसको पढ़ते नहीं आ रहा जी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेहरबानी करके इनको ट्यूशन पे मत भेजें जी। इतना छोटा बच्चा है, उसका अपरिपक्व दिमाग है जी। वो बहुत कोमल उसकी भावनाएं हैं। अब मैं उसको, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं उसको अ बनाने का तरीका इस तरह से समझा रही हूँ, उसकी ट्यूशन की टीचर उसको अ बनाने का तरीका अलग ढंग से समझा रही है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि मैं वहाँ का सही मानूं या मैं स्कूल का सही मानूं। तो बच्चा उस दुविधा में, उसमें परफेक्शन आ ही नहीं सकता बिल्कुल। इसलिए मेरा शिक्षक को भी यही कहना है कि अपने सब्जेक्ट नॉलेज में इतनी मास्टरी रखो, अपने सब्जेक्ट नॉलेज में इतनी कमांड रखो कि बच्चा कहीं और जाने का सोचे ही नहीं, बिल्कुल। कि उनको ऐसा लगे कि नहीं, हमारे सर ही, हमारी मैडम ही हमारी जिज्ञासा को, हमारे प्रश्न के उत्तर को दे देंगी जी, तो हमको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पर अब आज की जो परिस्थितियां हैं, देखिए समय के अनुरूप सब बदलता है और हम भी समय के अनुरूप ही बदले हैं। पहले हम सभी स्कूल जो है बच्चों को सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक हम स्कूल लगाते थे है ना, पर आजकल 11th और 12th को हम छोटे बच्चों के साथ छुट्टी कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ट्यूशन क्लास जाना है, उनको कोचिंग क्लास जाना है, ये हमारी मजबूरी हो गई है। हम चाहते नहीं हैं पर वो हमारी मजबूरी हो गई है। और आजकल डमी स्कूल्स का भी काफ़ी प्रावधान हो गया है, है ना, बच्चा स्कूल नहीं जाए और बच्चा सिर्फ कोचिंग क्लास जाकर और मतलब IITian बन जाए, है ना। और आपने देखा होगा कि हर बच्चा IITian नहीं बन सकता, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, पर एक जो भेड़ चाल बन गई है, वो भेड़ चाल जो है, जो आगे जाके, आज तो सब ठीक है, आगे जाके थोड़ी सी इसके विषम परिणाम हमें मिल सकते हैं जो होना नहीं चाहिए। एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का युवा ही कल का नागरिक है। तो आज का युवा कहीं भटक गया तो वो फिर हमें उस युवा पीढ़ी को हमें संभाल के रखना है। बिल्कुल, भटका हुआ युवा आगे चलकर
किसी को क्या राह दिखाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि आप खुद पहले राह पता होनी चाहिए। मैम, आपने कहा कि छोटे बच्चों को भी ट्यूशन भेजा जा रहा है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि कई बार हम बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मैं ऐसा सिखा रही हूँ, वहाँ कुछ और सिखाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव देना है बच्चों को ट्यूशन के ज़रिए कि इतनी छोटी क्लास का बच्चा जो है इस तरीके से उसे कंफ्यूज़ किया जा रहा है। तो ये बात पेरेंट्स को ज़रूरी है ये समझना कि इतना थोड़ा बहुत ध्यान वो खुद दे अपने बच्चों पर, अगर वो इस तरह से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो। लेकिन ये बहुत सही बात आपने कही कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, जब बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज़ होते ही होंगे। और डमिंग स्कूल की आपने बात कही कि चलन है ये आजकल, 11th 12th तो बच्चे डमी से ही कर रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखती, क्योंकि मैं भी अक्सर अपने रिलेटिव्स अपने लोगों से जब मिलती हूँ जो मुझसे छोटे हैं तो वो कहते हैं अभी डमी चल रहा है, अभी इसकी तैयारी उसकी तैयारी, तो ये चीज़ क्योंकि मेरे समय में भी नहीं रही, डमी को इतना नया वर्ड है ये मेरी जनरेशन के लिए भी, बिल्कुल कि, सही है। तो ये डमी कितना सही और कितना गलत इसे बोला जा सकता है? देखिए फिर ये है कि एक शिक्षाविद होने के नाते ये सब मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है जी, पर ये होना नहीं चाहिए जी, होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जी जो एक देखिए हमारा स्कूल का जो टैग मार्क है वो इनोसेंस टू ह्यूमैनिटी जी, इनोसेंस टू ह्यूमैनिटी है ना, मासूमियत से इंसानियत, मासूमियत से इंसानियत। तो एक मासूम बच्चा हमारे स्कूल में प्रवेश करता है, 3 साल का बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, 17-18 साल की उम्र में वो स्कूल से बाहर निकलता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसको जितने भी संस्कार है, जीवन की अच्छाइयाँ हैं, जीवन की बुराइयाँ हैं, उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सब चीज़ें वो स्कूल में ही सीखता है जी। स्कूल ही उसकी जीवन की पहली सीढ़ी है जी। तो इस सीढ़ी को यदि वो पहली सीढ़ी से ही आखिरी सीढ़ी तक नहीं चलेगा, या ऊँचे ऊपर की सीढ़ी से यदि वो एक एक सीढ़ी करके नीचे तक नहीं करेगा तो उसका नुकसान होना ही है, उसका सीधा नीचे गिरा कि उसका फ्रैक्चर होना ही है ना। तो ये जो है शिक्षा का स्तंभ जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो संपूर्ण विद्यालय बच्चों को करना जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि स्कूल में ही आपको वंदे मातरम गाओ जी, जो रोज प्रार्थना होती है प्रेयर होती है उसमें जन गण मन वंदे मातरम देशभक्ति के गीत है ना, कॉलेज में जहाँ आप चले गए स्कूल छोड़ के कि देन आप बिल्कुल मतलब क्या फ्री बर्ड हैं जी है ना जी। आप अपनी उड़ान स्वयं ही भरोगे जी, आपको कोई टीचर कहने वाला नहीं आएगा कि हैंड्स बैक करो स्ट्रेट चलो सीधी लाइन में चलो जी बातें मत करो, ये सब कहने कोई नहीं आएगा जी, जो कि आपको आपके आगे संस्कार देने हैं। यदि आप अभी संस्कारित स्कूलों में नहीं हुए तो आप अपने समाज को अपने परिवार को कहाँ से आगे ले जाओगे जब आप स्वयं संस्कारित नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को संस्कारित होना है और तब कहीं हम जाके अपने आगे की जनरेशन को संस्कारित कर सकते हैं जी, जी। आपने खुद ने ही नहीं सीखा है, आप तो डमी स्कूल में जाके आप तो खुद ही डमी बन गए हो इस जीवन दर्शन से दूर चले गए हो है ना। रोज हम स्कूल में नई नई चीजें सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, तो ये सब चीजें तो आपने छोड़ दी है जो कि आपके जीवन के विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक थे, उसको आपने पीछे छोड़ दिया है जी। मैम, बहुत ही खूबसूरत बातें आप कह रही हैं यहाँ पर कि स्कूल बहुत कुछ सिखाता है, स्कूल ही सब कुछ सिखाता है, आपका व्यक्तित्व जो बनता है वो स्कूल से ही बनता है, स्कूल से ही बनता है। मुझे आज भी याद है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्कूल में प्रेयर्स होती थी, आज भी मुझे याद है कि वो प्रेयर्स मुझे आज भी प्रेरित करती हैं। मैं जब कभी भी किसी परेशानी में होती हूँ या डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं उस प्रेयर को याद करती हूँ और मैं काफ़ी मोटिवेटेड वापस हो जाती हूँ। तो स्कूल आज तक मेरे अंदर है,
तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल को वही एक मंदिर जो जैसा हमेशा से रहता आया है वो आज भी रहे। ये डमी वाली चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ना है स्कूल को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डमी तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा, एक पूरा आपका स्कूल, आपकी आपकी बुनियाद से लेकर आपके पूरे बिल्डअप तक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने आपने कहा कि एक स्कूल का संदेश है मासूमियत से इंसानियत, ये बहुत ही सुंदर बात है कि क्योंकि हर इंसान, हर बच्चा पहले मासूम ही होता है, वो मासूमियत से किसी और राह पर भी जा सकता है, लेकिन उसे इंसानियत तक लेकर जाना, जो कि और वो विद्यालय ही ले जा सकता वो विद्यालय है, ही ले जा वो सकता विद्यालय है। ही ले जा सकता है उसको, मासूमियत से इंसानियत तक विद्यालय ही ले जा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे चर्चा करने में कि आप मेरी ग्रैंड डॉटर के बराबर हैं, है ना, और आप इस जनरेशन की और मैं उस जनरेशन की, अपनी जनरेशन गैप बहुत है, उसके बाद भी आपके ये विचार हैं, ये मुझे बहुत प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर, और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप में भी कितनी जिज्ञासा है इस उम्र की होने के बावजूद। मैम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये मुझे अब हमेशा ताउम्र प्रेरित करेगी आपकी बातें, और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी अच्छी शिक्षिका जिनसे मुझे इतनी बातें जानने को मिली, और मेरे ज़रिए मुझे लगता है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उन्हें ये सारी बातें ज़रूर अमल करनी चाहिए इन बातों पर। मैम ने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बातें आज बताई हैं। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आपका अनुभव बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, और इस अनुभव के चलते आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को, शिक्षकों को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को खास करके देना चाहेंगी, जिससे कि बच्चे भटके ना, पेरेंट्स भी उन्हें समझे, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की हम सभी को बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, विद्यालय में विद्यालय जो चलता है वो तीन स्तंभों से चलता है, चौथा मैनेजमेंट का जरूर आता है स्तंभ, पर तीन मुख्य रूप से होते हैं, ट्रायंगल रहता है ये, विद्यार्थी, शिक्षक जी और पालक जी, इन तीनों का सामंजस्य बराबर होना चाहिए जी, और उसमें मुख्य भूमिका प्राचार्य की रहती है जी, कि वो इन तीनों को अपने साथ एज ए टीम लेकर चले और रोल मॉडल बने जी, रोल मॉडल बने कि इस तरह से रोल मॉडल बने कि वो एक संदेश पालक को भी दे सके, बच्चों को भी दे सके और शिक्षक को भी दे सके जी। उदाहरण के तौर पर यदि मैं मेरी शिक्षिका से या शिक्षक से उम्मीद करूं कि आप टाइम पर स्कूल आओ जी, उसके लिए सबसे पहले मुझे टाइम पर जाके खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, उसके लिए यदि स्कूल में यूनिफॉर्म है तो मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा जी। तो बड़ों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने छोटों को सही मार्ग पर लाने के लिए जी। तो उस रोल मॉडल को लाने के लिए, बनने के लिए हमें सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते जी। हैं और सहनशीलता भी होनी चाहिए, पेशेंस सबसे बड़ी की है, सबसे बड़ी चाबी है अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्र में, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो प्राचार्य है, चाहे वो पालक है जी। जी। और पालक को पूरी तरह से अपने बच्चों पे भी फेथ होना चाहिए जी। शिक्षक पे भी फेथ होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन पर भी फेथ होना चाहिए, विद्यालय पर भी फेथ होना चाहिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और हमें शिक्षक को भी पालकों के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें भी अपना 100% देना है इस विश्वास को बनाए रखने के लिए। तो ये सब लिंक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसको कि हमें सामंजस्य बना के आपस में और हर एक दूसरे की दुविधाओं को समझ के जी, है ना, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा मतलब हर किसी चीज को गलत समझे जी। टीचर भी कभी परेशान रहता है, बच्चे भी कभी परेशान रहते हैं, तो बींग जैसे घर का मुखिया होता है और अपने परिवार के हर सदस्य की तकलीफों को जान कर और फिर समझ कर और फिर उसका समाधान करता है, उसी प्रकार विद्यालय में प्राचार्य को भी
अपने टीम के साथ सामंजस्य स्थापित करके उनके दुख दर्द को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को सामंजस्य से बना के आगे बढ़ना है। पालक को भी उनको बराबर ये देना है, सीख देना है। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मतलब क्या, मतलब मैं उसी प्रकार से इसको अपना मतलब ये करूँगी कि कागज़ का परिंदा भी उड़ान भर सकता है जी, वो सही हाथों में होना चाहिए जी, चाहे वो पालक हो चाहे वो शिक्षक हो जी। तो कागज़ के परिंदे भी उड़ान भर सकते हैं, उन्हें बस मजबूत हाथों की, सही दिशा की, सही निर्देशों की आवश्यकता है। ये ताकत एक शिक्षक में ही हो सकती है। और ये ताकत एक शिक्षक में ही हो जी, सकती जी। है। मैम, मैं आज शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आपका इंटरव्यू मैंने किया और मुझे बेहद खुशी है कि आपसे इतनी सारी बातें हुई, इतना सारा ज्ञान मुझे भी मिला है, हमारे ज़रिए और भी लोगों को मिला है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि विश्वास, सामंजस्य और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका पेशेंस भी है यहाँ पर, जो आपको तरक्की, जो आपको उन्नति की तरफ लेकर जाता है। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें ही जीवन में आपका सही व्यक्तित्व, आप सही व्यक्ति बनकर निकलते हैं। मासूमियत से आप कहीं और भटक कर ना जाए, आप इंसानियत की तरफ ही जाए। ये एक बहुत अच्छा संदेश है जो कि मैम के ज़रिए हमें मिला है, जो कि बहुत ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा की राह आसान नहीं होती है, लेकिन ये मुश्किल राह आपका जीवन ज़रूर आसान बना देती बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल सही कहा। और बच्चा मुस्कुराता हुआ स्कूल में प्रवेश करना चाहिए और मुस्कुराता हुआ घर जाना चाहिए जी, ये बहुत बड़ा मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, कि बच्चे को शिक्षा बर्डन नहीं लगे। जी जी, बच्चे को शिक्षा बर्डन नहीं लगे, वो अपने दिल से चाहे कि मुझे स्कूल जाना है जी। तो ये तभी आएगा जब हम सब आपस में सामंजस्यता से कार्य करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी का साथ बच्चे के लिए, एक पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल, ये सभी सामंजस्य बैठाकर अगर बच्चे के साथ काम किया जाए तो बच्चा ज़रूर उन्नति की ओर बढ़ेगा ही, हमेशा तरक्की करेगा ही। और ऐसे शिक्षक जब स्टूडेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो ज़रूर ये समाज, ये देश, एक जैसा कि आपने बताया, पहले भी बोला कि भारत हमेशा से विश्वगुरु रहा है और अब बनने की तरफ अग्रसर भी हो रहा है। तो बहुत जल्द हम फिर से हमारे भारत को विश्वगुरु बनते देखेंगे, ऐसे शिक्षकों की बदौलत। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने भी जीवन में बहुत नई चीज़ें यहाँ आकर सीखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया मैम। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जियाना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।